आप भी दुनिया के सबसे बड़े केपॉप आइडल BTS के चाहने वाले हो तो शायद ही आप पिछले 2 महीनों को अपनी ज़िंदगी से बुला पाओ, क्योंकि BTS आदमी ने पिछले 2 महीनों में जो चीज़ें अपने फेवरेट केपॉप आइडल शुगा को लेकर देखी हैं वो शायद ही कोई सपने में भी देखना चाहे। जब शुगा 6 अगस्त को एक ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फंसे और उसके बाद उनकी लाइफ में मुसीबत एक के बाद एक बारिश की तरह बढ़ने लगी, उन्हें BTS और केपॉप छोड़ने तक की डिमांड होने लगी। लेकिन 2 महीने की पूरी बैटल के बाद फाइनली शुगा को इस केस से थोड़ी राहत मिली। लेकिन कल एक बार फिर पूरा इंटरनेट हिल गया। सोशल मीडिया पर कल से मिनियुंगी ट्रेंड करने लगे अपने इसी ड्रिंक एंड ड्राइव केस के लिए, जिसके बाद फैंस की एक बार फिर सांसें थम गईं कि अब आखिरकार शुगा केस पुलिस केस को लेकर क्या नई अपडेट आई है। क्या शुगा को फिर से जेल जाना पड़ेगा? क्या उन्हें कोर्ट में फिर से हाजिर होना पड़ेगा? आखिरकार अब नया केस क्या है जिसकी वजह से कोर्ट, शुगा और ये केस फिर से चर्चा में आ गया है? तो आर्मी, सबसे पहले आपको घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फेवरेट के पॉप आइडल मिनियुंगी एकदम ठीक है। उन्हें कहीं भी जेल जाने की या कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल रीजन मिनियुंगी का कल ट्रेंड होने का, इस केस का एक बार फिर से नई अपडेट आने का है, जिसमें कल कोरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट शेयर किया है, जो कोई बुरी न्यूज नहीं बल्कि बहुत अच्छी न्यूज है, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी खुशी से नाचने लगोगे, क्योंकि फाइनली और ऑफिशियली शुगा का ये केस खत्म हो चुका है और सोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समरी ऑर्डर इशू करते हुए शुगा पर 6 अगस्त को ड्रिंक कर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए पूरा 15 मिलियन वॉन का फाइन इम्पोज किया है। यही शुगा की आखिरी और ऑफिशियल पनिशमेंट होगी। इसके बाद शुगा का ये केस रफा दफा हो जाएगा और फाइन पे करने के बाद शुगा को कभी कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन इस केस की वजह से नहीं जाना पड़ेगा। शुगा अपनी आगे की लाइफ नॉर्मली जी पाएंगे और अपने कमबैक के बाद BTS में अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू कर पाएंगे, जो फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो आप सब लोगों को शुगा के इस केस के ऑफिशियली खत्म होने के बाद कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।